गुड आफ्टरनून एवरीवन। साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपकी नाइन्थ क्लास का है ये। दिस इज ऑफ द नाइन्थ क्लास, ठीक है। नाइन्थ क्लास का हमने थोड़ा सा रिवीजन करना है, तो हम लोग देख लेते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपने एट्थ क्लास में भी सेल के स्ट्रक्चर काफी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। सो सेल को बोला गया है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहला इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम देख लेते हैं क्यों। सपोज देखिए, मुझे एक अच्छी सी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। हम लोग एक अच्छी सी बिल्डिंग बनाने वाले हैं। सपोज हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है। ये तो है पूरी एक कंप्लीट बिल्डिंग, पर बिल्डिंग बनी किससे तो आप बताएंगे। बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ किससे बनी है बताइए। ब्रिक्स से बनी है, ठीक है। ब्रिक्स से बनी है, सिंपल ब्रिक्स जो होते हैं यूज करते हैं, ठीक है, उनसे बनी है बिल्डिंग, ठीक है। अब आप देखिएगा इस सैंड, ये बिल्डिंग्स का ये क्या है, बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके थ्रू क्या बन रही है, पूरी बिल्डिंग बन रही है। ऐसे ही जो ह्यूमन बॉडी है सेम, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी ह्यूमन की, ठीक है। सो वो किस चीज से बनी है, कुछ काफी सारे सेल से बनी है। देखिए सपोज इसमें हमने क्या पढ़ा था, बिल्डिंग बहुत सारी ब्रिक्स को जोड़ के, विथ टू मेनी ब्रिक्स वी विल मेक वॉल, हम एक दीवार बनाते हैं, ठीक है, दीवार बना दी हमने। अब दीवार ने क्या बनाया, दीवार ने बहुत सारी दीवार जुड़ के एक बिल्डिंग बना देती है, फिर बिल्डिंग के अंदर फ्लोरिंग होती है, टाइल्स वाइल्स लगती है, लाइट्स लगती है, ठीक है, ये सब बात की बात। तो अब देखिए ह्यूमन बॉडी है सपोज, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप नोट डाउन भी करते रहिएगा तो आपके लिए अच्छा है, बेसिक अगर आप जान लेंगे तो बाद में चैप्टर्स पढ़ने में इंट्रोडक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो आप इसमें देखिए एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, अब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। तो ह्यूमन की बॉडी बताया है, जैसे हमारी बॉडी में आप देखिएगा बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। सो ह्यूमन बॉडी किससे बनी है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल से। सपोज ये एक छोटा सा सेल ले लिया मैंने, ठीक है, इस सेल ने डिवाइड करना शुरू किया क्योंकि ह्यूमन बॉडी बनानी है तो बहुत सारी चीजें डिवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे सेल्स आपस में डिवाइड होने वाले हैं, बहुत सारे सेल्स डिवाइड होंगे तो दे विल मेक द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे और लास्ट में वो क्या बना देता है, एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी बन जाती है, सिंपल सा है। तो आप देखिए इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेल, तो देखिए दिस इज द इंडिविजुअल सेल, सिंगल सेल वन, ठीक है, ये है ग्रुप, दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने क्या बोलना है, टिश्यूज, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बना रहे, काफी सारे मिल गए हैं तो दे विल मेक द ऑर्गन, दे विल मेक द ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी, दे कैन मेक द सिस्टम्स इन द बॉडी, ठीक है। ये हमारा एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा सा आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला इंट्रोडक्शन हमने क्या दिया, हमने ह्यूमंस के बारे में बताया, ह्यूमन सेल के बारे में बताया, एग्जाम्पल्स बताए, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी बताए कई सारे हमने, देन हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया कि सेल्स क्या होते हैं। फर्स्ट अब हमें चलना है अपने चैप्टर से रिलेटेड चीजें पढ़ने के लिए, तो सेल्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक सेल्स के बारे में, ठीक है। सो अब आप देखिएगा नेक्स्ट हमने पढ़ना है, सेल में दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर टू यूकैरियोटिक सेल। सो फर्स्ट वन हमने कौन सा देखा, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेकेंड हमने देखा यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक आपको पता होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम आ सकते हैं सारे, ठीक है, हम ह्यूमंस, ठीक है। सो ह्यूमंस आपने ले लिया, आपने बर्ड्स ले लिया, ठीक है, ये दे आर द
दे आर द मल्टी सेलुलर. ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिसेलुलर. तो यूनिसेलुलर में आप लेंगे अमोइबा, ठीक है. नेक्स्ट लेना था पैरामीशियम. पैरामीशियम, दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है. अब हमने इसमें और क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में काफी सारी चीजें पढ़नी है. अगर आप सेल पढ़ रहे हो ह्यूमन बॉडी, तो आपको पता है स्किन होती है, स्किन के बाद क्या होता है, अंदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, काफी सारे सिस्टम्स बनाते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो दो तीन टाइप के डिवाइड होते हैं. ओके, ऑर्गेनिज्म क्या है, दो तीन टाइप से डिवाइड है. अब हमने पढ़ना है चैप्टर के अंदर का फर्स्ट वाला पार्ट, डिस्कवरी ऑफ द सेल, मतलब सेल्स की कैसे डिस्कवरी हुई, ठीक है. डिस्कवरी सिंपल है, डिस्कवरी हुई थी, फैक्टर्स थे बहुत सारे, कई काफी साइंटिस्ट ने काफी मेहनत करी, उसके बाद हमें एक डिस्कवरी पता चली, ठीक है. तो वी विल डील विद द डिस्कवरी ऑफ सेल्स, ठीक है. राइट डाउन द टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ सेल्स. अब देखिए इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने होंगे, एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है. तो आप देखिए 1665 फर्स्ट आपको याद रखना है, इट इज इन द 1665 एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट, ठीक है. रॉबर्ट हुक भी आएंगे, रॉबर्ट ब्राउन भी आएंगे, तो आपको याद रखना है जो फर्स्ट है दैट इज रॉबर्ट हुक, HOOK, कपड़े टांगने वाला हो उससे भी याद रख सकते हैं, HOOK हुक होता है वो, ठीक है. सो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ये थे एक साइंटिस्ट, ही वॉज अ इंग्लिश साइंटिस्ट, नाम से पता चल रहा है, ठीक है. इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये, वॉज अ इंग्लिश साइंटिस्ट. तो इनने क्या करना स्टार्ट किया, सॉ द सेल्स इन द स्लाइस ऑफ द कॉर्क. इनको जो सेल दिखा ना, सेल वो किसके अंदर दिखा, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क के अंदर. आप कॉर्क जानते हैं, अगर आप वो खेलते होंगे बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के आपके लास्ट में जो ऐसे लगे रहते हैं ना बहुत सारे, ये आर द फेदर्स, ठीक है. फिर फेदर्स होते हैं बहुत सारे, बट फेदर्स किससे जुड़े होते हैं, टेप होती है रेड, एंड इस ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉर्क, ठीक है. कॉर्क और भी आप कहां देख सकते हैं, काफी सारी चीजों में भी यूज होते हैं कॉर्क, ठीक है. सो उन्होंने फर्स्ट कहां से देखा, विथ हिज क्रूड माइक्रोस्कोप. एक माइक्रोस्कोप था, दैट इज अ क्रूड माइक्रोस्कोप. अपने माइक्रोस्कोप जो उनने खुद ने इन्वेंट किया था, ठीक है, आपके बुक्स में है, बुक्स में नहीं होगा तो आप नेट में देखिएगा, क्रूड माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप. तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, रॉबर्ट हुक थे वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनने सेल को डिस्कवर किया था किसके अंदर, कॉर्क के अंदर, ठीक है. और विद द हेल्प ऑफ विच माइक्रोस्कोप, क्रूड माइक्रोस्कोप. सो राइट डाउन दिस वन, ठीक है. अब उनने सेल को जब देखा अंदर सेल के, जैसे सपोज आपने दूरबीन से देखा कुछ अंदर स्ट्रक्चर, तो जैसे उनने सेल के अंदर देखा ना, तो ही ऑब्जर्व, ठीक है, ही ऑब्जर्व कुछ उनको दिखा हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर. देखिए आप जो मधुमक्खी रहती है ना, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर रहती है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर रहती है, छोटे छोटे काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, शेप एक फॉलो कर रहा है पर्टिकुलर, ठीक है. सो उसने जब सेल्स देखा तो उसे कैसा लगा, ही ऑब्जर्व इट एज अ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर. अब उसने हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर देखा तो उस टाइम उसको कुछ नाम नहीं पता चल रहा था, तो उसने एक सिंपली नाम रख दिया था इसका, सेलुलिया, CELLULIA, सेलुलिया, ठीक है. आपको ये वर्ड याद रखें, LE लिख दीजिए, LEA, और आप नॉर्मल इसको क्या बोल सकते हैं, सेल्स, ठीक है. सो चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है. सो जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसे नाम ही नहीं पता चल रहा था ये क्या है, बट उसे स्ट्रक्चर पता था कि जहां पे मधुमक्खी रहती है उसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो उसने हनीकॉम स्ट्रक्चर बोल दिया कि ये है. फिर दैट इज कॉल्ड अ, बाद में पता उसने नाम रखा उसका सेलुलिया, ठीक है. हिज डिस्कवरी इंडिकेट फॉर द टाइम, उसकी डिस्कवरी ने क्या बताया, कुछ फर्स्ट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर सेल. अब उसकी भैया जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ऊपर, जो उसकी डिस्कवरी थी, तो फर्स्ट टाइम जो उसकी ऑब्जर्वेशन हुई ना,
उससे पता चला कि ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हम सब, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो किस चीज के बने हुए हैं, वो बने हुए हैं सेल्स के, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, सो प्लीज राइट डाउन दिस वन। अब आपको ऐसा कुछ बुक में आप देखेंगे तो आपको बुक के अंदर एक डायग्राम होगा, उसमें ऐसे ऐसे सेल्स बन के फर्स्ट उसमें दिए हुए हैं, ठीक है, आप जब ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, सो राइट डाउन दिस वन। अब देखिए आप हिस्ट्री शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आप हिस्ट्री के थोड़ा सा डीप में चलते हैं, जिस जिसने काफी सेल्स उनने काफी मेहनत करी थी, हमें भी मेहनत करनी है, हमें सिर्फ याद रखने उनके नाम, ठीक है, कि कैसे कैसे अब स्ट्रक्चर्स बढ़ रहे हैं। तो आप देखिएगा टू नो द हिस्ट्री ऑफ द सेल्स, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल्स। अब सेल्स की हिस्ट्री मतलब जिस जिस पर्सन ने किया उसके बारे में हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सो फर्स्ट है 1665, आपका होमवर्क है 1665 में क्या हुआ था, ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, तो ये आप बताएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है 1674, अब 1674 में भी कुछ धमाकेदार एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे क्या पता चला कि सेल्स के अंदर का जिसने पढ़ना स्टार्ट किया ही वाज अ वेंटॉन वेन ली हुक, ठीक है, ही वाज अ वेन ली लिन हुक। नेक्स्ट आपका क्या पता चला, आपको पहला पता चला ना रॉबर्ट हुक, सेकंड एंटोन वैन ली हुक, इसने क्या करना स्टार्ट किया सेल्स के अंदर पढ़ना स्टार्ट किया। अभी नेक्स्ट आप जाएंगे तो और भी डेट्स आएंगी आपको, जैसे 1831, ठीक है, अब 1831 में भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए एंड डिस्कवरी किसकी हुई, न्यूक्लियस की, ठीक है, न्यूक्लियस, अभी ध्यान नहीं करना, सिर्फ आपको याद रखना है स्ट्रक्चर की क्या है, न्यूक्लियस की एक क्या होती है डिस्कवरी होती है, ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो 1838, ठीक है, 1838 में श्वान्स, ठीक है, श्वान्स ने कुछ डिस्कवरी करी और उसने क्या बताया भैया कि सारी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल की बनी है, तो इसने इनडायरेक्टली इन सब की बात को मिक्स करके क्या बना दिया, सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी पूरी पूरी बता दी कि भाई उसने बताया था न्यूक्लियस, उसने बोल दिया न्यूक्लियस है, इनने स्ट्रक्चर देखा था, इनने स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, इनने बोला लिविंग सेल से बना है तो लिविंग सेल से, तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक दूसरे के आइडियाज को डेवलप होता जा रहा है ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्कोपिक साइंस, ठीक है, माइक्रोस्कोप से जो पढ़ के स्टडीज हम करते हैं। नेक्स्ट अब आप देखिएगा इसमें नेक्स्ट आ रहा है 1855, अब हम काफी आगे आ गए हैं, ठीक है, So 1855 आप डेट वाइज रखेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, सो 1855 को क्या हुआ, रोडोल्फ रोडोल्फ वर्शो जिसको बोलते हैं, तो यू डोंट रिमेंबर रोडोल्फ इज द इनफ, ठीक है, इनने बताया था कि जो बॉडी है वो किससे बनी है, सारी बॉडी सेल से बनी है, लिविंग सेल से, ठीक है, सो जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में आपको और पता चलेगा, ऑस्मैन सेलुला ई सेलुलिया करके इनने कुछ वर्ड्स बोले हैं, ठीक है, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द सेल्स, तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द लिविंग सेल्स, ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स को हमने पढ़ना है, क्लासिफिकेशन करना है अब ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इट इज वेरी सिंपल, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज याद कर रहे हैं ना डेली, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिकॉल कर रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा, तो इट इज सिंपल, ठीक है, सो अब हमने क्या पढ़ना है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किस चीज के बने हैं, किस चीज का बने हैं, तो मेड, अब आपके आइडिया से आप सोचिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बिल्डिंग है किससे बन रही है, छोटे छोटे ब्रिक से बन रही है, ठीक है, सो ब्रिक क्या हुआ, उसका बेसिक यूनिट है, अगर ब्रिक ही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, सो देखिए क्या है, बेस्ड ऑन दिस सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है, यूनि, ये आपको एट्थ में भी पता है, ठीक है, यूनि एंड मल्टी मल्टी सेलुलर, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल दीजिए फटाफट क्या हो सकता है, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम क्लाइडोमोनस, ठीक है, क्लाइडोमोनस,
एन ऑर्गेनिज्म विद अ मल्टी मोर देन वन सेल, इस ऑर्गेनिज्म के पास बेचारे के पास एक ही सेल है, एक सेल क्या कर रहा है खाना खाता है, एक सेल गंदगी निकालता है, एक्सचेंज करता है गैसेस, पर ये क्या है ये थोड़ा रिच आदमी है तो इसके पास क्या है मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल मतलब बहुत सारे सेल, तो मैनी सेल्स, ठीक है, अलग रेस्पिरेशन के लिए अलग सिस्टम है, डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है, तो ये सारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और देख सकते हैं आप, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स क्या करता है एक सेल से ही सारा फंक्शन करता है, बट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म उसके पास सारे काम करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि हम किससे पढ़ते हैं, मतलब सेल्स के अंदर मैं देखूं कैसे, क्या ये जो सेल बना है मैं ऐसे देखूंगा, नहीं, क्या मैं ऐसे हाथ के अंदर देख सकता हूँ, नहीं, तो मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। अब हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप मोबाइल लेने जाते हो तो आप बोलते हैं ना गैजेट, गैजेट, ठीक है, गैजेट टू स्टडी, क्या करना है हमको, टू स्टडी सेल्स, गैजेट टू स्टडी सेल्स, तो सेल्स को आप देखेंगे आर वेरी स्मॉल, ठीक है, तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मींस वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, अब बेचारे बहुत छोटे तो वी कैन नॉट सी फ्रॉम द नेकेड आईज, ठीक है, नेकेड आईज से हम नहीं देख सकते, हमको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो नेकेड आईज से हम नहीं देख सकते, तो दे आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ किससे पढ़े बताइए, MICROSCOPE, याद रखिएगा, ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू सी इनसाइड द सेल और इनसाइड द लिविंग सेल इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप का हमें दो टाइप पढ़ने हैं, ठीक है, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, वो हम डिटेल में भी देखते हैं क्या है। अब देखिए टू माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है, होता है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसमें भी हमारे टाइप्स पढ़ने हैं हमको, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये है हमारा वन टाइप, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है लाइट माइक्रोस्कोप, और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो हमने फर्स्ट क्या देखा, गैजेट्स, गैजेट मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, विच आर यूज्ड टू स्टडी द सेल, तो वी कैन नॉट सी द सेल बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन द साइज, तो हमने किसका हेल्प लिया, माइक्रोस्कोप का। अब माइक्रोस्कोप्स के बारे में हमने देखा, तो हमने माइक्रोस्कोप के मतलब कौन से दो टाइप है, माइक्रोस्कोप है एक लाइट माइक्रोस्कोप और एक है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो ये चीजें आप, दो चीज आप नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड टॉपिक जो इसमें पढ़ेंगे शेप पढ़ेंगे, ठीक है, कि सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते, सारे इंसान अलग अलग होते हैं, कोई मोटू कोई पतला, कोई सिकुड़ू सा कोई मस्कुलर, कोई बॉडी बिल्डर, ठीक है, तो वैसे ही हमारे सेल्स भी हैं, तो शेप एंड साइज ऑफ द सेल हमारा टॉपिक जो है, दैट इज शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स, अब हम शेप एंड साइज पढ़ेंगे, ठीक है। शेप एंड साइज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज का एक शेप और उसका साइज कितना है, बड़ा है बहुत छोटा है, ठीक है, काफी जाइंट है जिसको हम बोलेंगे, छोटा है तो क्या बोलेंगे डॉर्फ है, तो हम देखिए क्या पढ़ते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स, क्या बोल सकते हैं, डिपेंड अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट, ठीक है। सपोज आप पढ़ रहे हैं सेल, सम सेल्स कैन चेंज द शेप, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ सेल होते हैं, सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप, एग्जाम्पल दीजिए, क्विज है, क्विज टाइप का क्वेश्चन ही है, तो कौन सा होता है आपसे अभी कभी कोई भी पूछे तो आप बता दीजिएगा, आंसर है इसका WBC, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, देखिए क्यों, क्योंकि इन्हें क्या होता है सेल्स पूरे WBC पूरी बॉडी में होगा, कहीं भी इंफेक्शन हो सकता है तो WBC को क्या होता है निकलना होता है, तो दे कैन चेंज द शेप, उनका न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस, देखिए उनका न्यूक्लियस ऐसा होता है, ये
इट इज लाइक दिस वन, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, वेयर आई एम पॉइंटिंग दिस इज द न्यूक्लियस. तो उनका न्यूक्लियस ऐसा होता है, ठीक है. और आरबीसी में याद रखिएगा न्यूक्लियस नहीं होता. तो अब शेप हम लोग सेल्स का पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए स्मॉलेस्ट सेल, एक और क्वेश्चन बनता है सेल का कि स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेल कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा सेल कौन सा है. तो आप बोल सकते हैं PPLO, ठीक है, PPLO, दैट इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, माइकोप्लाज्मा के अंदर मिलता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर मिलता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट. अब आपका बोलेंगे कोई लार्जेस्ट, सबको बताओगे आंसर, जल्दी बोलिए इसका आंसर क्या हो सकता है. इसका लार्जेस्ट आप बोलेंगे ऑस्ट्रिच, देखा है ना, एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, सबके अंडे छोटे छोटे, ऑस्ट्रिच का अंडा बड़ा सा, ठीक है, ये ऑस्ट्रिच का अंडा है, ठीक है, और ये किसका, छोटी छोटी मुर्गियों का अंडा है ये, ठीक है. नेक्स्ट अभी हमने देखना है, हमने दो चीज पढ़ ली, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट. अब हमने पढ़ना है इंसान का, तो लार्जेस्ट सेल, लिविंग सेल, लार्जेस्ट सेल इन बॉडी, ठीक है. पेड़, पेड़ देखिए, ये नॉर्मल पेड़ है, ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट ट्री. ट्री को उल्टा कर दूंगा, अब एक उल्टा ट्री बनाते हैं अपने फटाफट, ठीक है. सो अपने क्या कर रहे हैं, उल्टा ट्री बनाते हैं, ठीक है. सो देखिए, अब लार्जेस्ट सेल बोला ना, तो उस सेल का नाम होता है नर्व सेल, ठीक है. कौन सा सेल, नर्व सेल, आपके दिमाग में है बहुत सारा, ठीक है. आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो तुरंत नर्व सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके सेंसेस को महसूस करते हैं. किसी ने पिंच हुआ, फटाक से भाग गया, हमें दर्द होने लग गया, ठीक है, सो हम भाग गए फटाफट. तो देखिए यही सारी चीजें आप इस डेंड्राइट का स्ट्रक्चर में आपको बताया था, अब मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा उसमें बताता हूँ, ठीक है, शेप में, कि अलग अलग सेल्स के शेप कैसे हो सकते हैं. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं, ठीक है. अब देखिए हम लोग शेप्स पढ़ने वाले हैं, शेप्स पढ़ने वाले हैं, तो रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आर बी सी, आर बी सी का सेल का हमें शेप पढ़ना है, तो वी विल टॉक अबाउट लाइक दिस ओनली, ये दैट इज ओवल इन द शेप, ठीक है. नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्लांट सेल, प्लांट सेल में कौन सा, स्टोमेटा, ठीक है, तो स्टोमेटा इज लाइक दिस वन, ओपनिंग्स आर देयर, दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है. नेक्स्ट आपको पढ़ना है नर्व सेल, नर्व सेल्स में आपने देखा है ये स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस वन, एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस, एंड दिस विल बिकम एक्सॉन पार्ट, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द एंडिंग, सो दैट इज अ थर्ड वन. आप ड्रॉ करते रहिए साथ में. नेक्स्ट इसमें आप और देख सकते हैं शेप, ये हो गए तीन चार, और भी आप शेप्स डाल सकते हो, ठीक है. जैसे आप मसल सेल्स ले लें, हमारी बॉडी, आप सबकी बॉडी बन जाएगी, ठीक है. बॉडी के अंदर जो भी सेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मसल सेल, जिससे मसल्स बनती है. तो दिस दे आर लाइक दिस वन, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस वन, ओके. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, ठीक है. हम आगे आगे डीप में जाएंगे तो हम शेप्स भी देखेंगे सेल्स की. नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है शेप, कितने सेल्स के कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो, तो आज टॉपिक में हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा वो आप देखिए. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डील विद द मल्टीसेलर एंड यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. हैव अ नाइस डे.